नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। रेलवे के द्वारा एनटीपीसी के ग्रेजुएट पद पे वैकेंसी निकल चुकी है, फॉर्म आवेदन चालू है। और जब आवेदन कर रहे होते हैं बच्चे, तो उनके पास तमाम प्रश्न होते हैं, तमाम डाउट्स होते हैं, जो परेशान रहते हैं कि कहाँ पे पूछे, कौन बताएगा। इसलिए बच्चों, टीम परीक्षा प्लस हमेशा से परीक्षा की शुरुआत से लेके और परीक्षा जब तक आप सफल नहीं हो जाते हो, तब तक आपके साथ रहती है और छोटे छोटे डाउट्स आपको क्लियर करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और सबसे बड़ा डाउट आपका है कि आखिर अगर हम जोन चेंज करते हैं तो एग्जाम सेंटर कहाँ पे जाएगा। ये प्रश्न आना उस समय ज्यादा स्टार्ट हो गया जब मैं आपके लिए वीडियो बनाया जो आपका रेड जोन और सेफ जोन को लेके था। आपके लिए मैंने बताया था कि कौन सा सेफ जोन होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है और इसमें मैं ओवरथोली आपको बता दूं कि बहुत बेहतर तरीके से मैप के माध्यम से ये समझाया हूं कि किस बातों का ध्यान रख के आपको जोन का सिलेक्शन करना है। और जब जोन सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको जोन सिलेक्शन में कहां पे कितनी वैकेंसी है, किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी है और क्या आपका सेफ जोन हो सकता है, ये सब कुछ मैंने बताया है। लेकिन यहां के बाद से आपका जो सबसे ज्यादा प्रश्न आने लगा है, वो प्रश्न आने लगा है क्या कि सर, हमारा आखिर एग्जाम सेंटर क्या होगा अगर हम जोन चेंज करते हैं तब। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे बहुत क्रिस्टल क्लियर बता दूं, इसका कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है और कोई इसका पर्टिकुलर इतिहास भी नहीं है। हम इसे पूर्व में परीक्षाओं की बात करें तो ऐसा देखा गया था कि अधिकांश बच्चों का जो सीबीटी बनता वो आपका कहाँ पे हुआ था, वो आपका जो आपका होम एड्रेस होता है वहीं पे आपका सीबीटी वन कराया गया था और सीबीटी टू या स्किल टेस्ट देखा गया था बच्चों का वहां पे हुआ था जहां पे उनका क्या था, जोन चेंज किए थे। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं था, कुछ पर्टिकुलर बच्चों के साथ था। इन जनरल अगर देखा जाए तो अधिकांश बच्चों का उनका क्या था, एग्जाम सिटी जो था वो जहां पे वो रहते हैं उनका जिस जनपद में, जिस जिला में, जिस डिस्ट्रिक्ट में या जिस स्टेट के वो रहने वाले हैं, राज्य के रहने वाले निवासी जहां के हैं, वहां पे आपका सेंटर गया। अब ये चीजें डिपेंड करती है कि आप फॉर्म कब भर रहे हो, तीन चार चीजों पर पैरामीटर पर डिपेंड करती है कि आपका एग्जाम सेंटर कहां पे जाएगा। पहली बात कि एक पर्टिकुलर एरिया से, जोन की बात नहीं कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर राज्य की बात कर लो, पर्टिकुलर जनपद की बात कर लो कि वहां से कितने ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट आवेदन किए हैं। अब जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल ले लूं कि एक उत्तर प्रदेश में लखनऊ हम लोग क्या ले लेते हैं, जनपद ले लेते हैं। हो सकता है लखनऊ में फॉर्म भरने वाला बच्चा कहां पे फॉर्म भरे, वो लखनऊ में, वो यहाँ पे बोल सकते हो कि खुद का जोन यहाँ का ले सकता है, सेंट्रल रेलवे ले सकता है, या फिर आप बोल सकते हो कि वो ईस्टर्न रेलवे ले सकता है या एसआर ले सकता है, कोई भी जोन में जा सकता है, वो खुद के जोन में भी या दूसरे जोन में भी क्या हो सकता है, दूसरे जोन में भी जा सकता है। लेकिन वो किसी भी जोन में जाए, वो काउंट किसमें किया जाएगा कि उसने उत्तर प्रदेश से क्या किया है, अप्लाई किया है, मतलब कि बच्चा कहां का, जहां का निवासी है, काउंट वहां पे होगा। तो अब जहां पे आपका होम एड्रेस है ये देखा जाएगा, जब उसे सेंटर अलॉट किया जाएगा तो पहले देखा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कितने नंबर ऑफ फॉर्म हैं, उत्तर प्रदेश में इन इन जनपदों में सेंटर अलॉट किया गया है, क्या यहाँ पे सीटें अवेलेबल हैं। अगर सीटें अवेलेबल हैं तो उनको उनका जनपद मिल जाएगा, अगर सीटें अवेलेबल नहीं है तो देखा जाएगा इर्द गिर्द 500-700 किलोमीटर के एरिया में कौन से जगह पे सेंटर अवेलेबल है, वहां पे उन बच्चों को किया जाएगा। वहां पे भी नहीं मिलते हैं तो अगला 500-700 किलोमीटर फिर रेडियस बढ़ा दिया जाएगा, वहां पे मिल जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर जगह से, जोन से नहीं, एक पर्टिकुलर जगह से, राज्य से या जनपद से कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, उनकी संख्या पे डिपेंड करता है। और ऐसे में देखा जाए उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, या ये ऐसे कुछ राज्य है जहां पे क्या होते हैं, जहां पे तैयारी करने वाले छात्र या रेलवे के एस्पिरेंट ज्यादा होते हैं, तो यहीं के बच्चे इधर उधर ज्यादा चांसेस होते हैं कि जब फॉर्म का आवेदन ज्यादा होता है तो भेजे जाते हैं। वो जोन पे डिपेंड नहीं करता है, मैं क्लियरली आपको बता दूं। अब रही बात जो कई जगह आपको सुनते हो कि सीबीटी टू और साइको टेस्ट है वो, या स्नाइपिंग टेस्ट है वो, आपका क्या होता है, स्किल टेस्ट जोन में ही होता है। ऐसा देखा गया है कि जो सीबीटी टू है वो जोन में ही, जहां से आप जोन भरते हो वहां पे बुलाया गया है। लेकिन हमेशा फिर से बोलूंगा, इन पर्टिकुलर केस में नहीं, इन जनरल केस में नहीं, इन पर्टिकुलर में बुलाया गया है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि कुछ को बुलाया गया, कुछ को नहीं बुलाया गया, और वहां पर भी डिपेंड करता है कि कितने सेंटर अवेलेबल है। अब ये बात को आप अगर पिछले 5 साल के पेपर से कंपेयर करोगे, 2021 में एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ, उसके आसपास ऐसे उससे पहले भी पेपर हुए, एएलपी टेक्नीशियन का हुआ, तो तब क्या थे, इतने सेंटर अवेलेबल नहीं होते थे क्योंकि ये सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है। ये जो भी, जैसे इस बार आपका टीसीएस लिए तो टीसीएस के पास अब
टीसीएस डिजिटल आयन जो है वो बहुत सारे सेंटर इसके खुद के हैं, तो अब सेंटर्स भी तो ज्यादा हैं, अगर बच्चे ज्यादा हैं तो सेंटर भी ज्यादा हैं, इस कारण से हो सकता है पिछला जो आपका नियम चला था इस बार ना हो। चांसेस यही रहता है कि आपका जो जोन है वो आपका जो होम एड्रेस है उस राज्य में उस जनपद में दिया जाएगा, अगर वहां पे नहीं है तो किसी अगल बगल आसपास में होगा वहां पे दिया जाएगा। और ये बात तब भी डिपेंड करती है कि आप कितने जल्दी आवेदन किए हो, मतलब आपके रजिस्ट्रेशन नंबर पे भी डिपेंड करता है। तो आप जितना जल्दी आवेदन करोगे चांसेस आपका रहता है कि आपको आपका जनपद ही मिलेगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला आपका क्या रहता है, आपका यहाँ पे प्रक्रिया रहता है फीफो के हिसाब से चलता है। तो उम्मीद है कि आपका बहुत बड़ा जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। एक जानकारी मैं आपको दे दूं, अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एनटीपीसी का या फिर रेलवे की कोई भी बहुत बेहतरीन जो टीम है उसके साथ आप जुड़ सकते हो परीक्षा प्लस की टीम, और यहां पे आपके एनटीपीसी मात्रक 99 में, ग्रुप डी मात्रक 99 में, जे हो गया, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, आरपीएफ हो गया, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो तो सारी कोर्स मात्र 199 में अवेलेबल है, जिसमें सारी लाइव क्लासेस, उनके रिकॉर्डेड क्लासेस, सारे क्लास के नोट्स, सारे बुकलेट नोट्स, आपको जो ईबुक की आवश्यकता होती है वो ईबुक्स भी आपको सारा कुछ पे ईबुक सेक्शन में सब कुछ मिल जाएगा, जो भी किताबें हैं एवरीथिंग जो आपको चाहिए। बाइलिंगुअल कोर्स है, परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करेंगे, एनटीपीसी 2.0 है, इसे पे करेंगे, बाय नाउ करेंगे, आपका ये पूरा ओपन होकर आ जाएगा, हर सब्जेक्ट हर चीज बाइलिंगुअली आप एक्सेस कर सकते हो। तो देर मत करिए, परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अभी इस कोर्स से आप जुड़ सकते हो। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई और भी दिमाग में डाउट हो तो आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।